सो वी वुमेन आर द पावरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, तो इसको वेस्ट मत जाने दो, अपनी पावरफुल, बी काम एंड बी एनर्जेटिक. ओके, हे गाइज, हाउ आर यू ऑल टुडे. मैं हूँ प्रेरणा, मेरे चैनल का नाम है सुपर ब्यूटी डिजायर. सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? तो आज इस वीडियो में ना मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ. यस, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अबाउट इरेगुलर एंड डिलेड पीरियड्स. यस गर्ल्स, आप लोगों में से मुझे काफी सारे कॉमेंट्स मिल रहे थे कि दी हमारे जो है पीरियड्स स्टॉप हो गए हैं या फिर इरेगुलर हो गए हैं, बहुत बहुत दिन बाद हमें पीरियड्स होने लगे हैं, तो हम लोग क्या करें. तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो है आज आपके लिए लेकर आई हूँ. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ में. अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे ना तो गर्ल्स हिट लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को. तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं ये वीडियो, लेट्स बिगिन. सो गर्ल्स, लेट मी टेल यू कि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, 1 out of 5 वुमेन आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर पीरियड्स. मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेनेटिक प्रॉब्लम है इसकी, या फिर अगर आप डायबिटिक हो तो भी आपको इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं. अगर आप ओवरवेट चल रहे हो तो भी आपके इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, या फिर डिले हो जाते हैं पीरियड्स आपकी ओवरवेट की वजह से, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी चीज का आपको प्रॉब्लम चला आ रहा है, या फिर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बहुत देर में होते हो और बहुत जल्दी उठ जाते हो, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो ये सारी ही जो रीजंस हैं वो एक इस तरफ लीड करता है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा डिले भी हो जाते हैं. तो इस वजह से जो गर्ल्स हैं ना वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी फेस करती हैं, जैसे कि फेशियल हेयर की ग्रोथ हो जाना, यहाँ पर हॉर्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होना चालू हो जाते हैं, मतलब आपको कभी एकदम से एंगर आएगा, एकदम एंग्जाइटी, एकदम हैप्पीनेस, तो ये सारे मूड स्विंग्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं. और सबसे क्रिटिकल और मेन प्रॉब्लम है इस इरेगुलर पीरियड की, वो है कंसीविंग प्रॉब्लम. यस, बहुत सारी गर्ल्स को तो ये फेस करना पड़ता है. तो आज मैं कुछ आपके साथ में ऐसे ही चीजें डिस्कस करूंगी जिससे कि आप जो है अगर अपनाओगे ना अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आप देखना आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट नंबर पे क्या करना है आपको. सबसे पहले आप बैलेंस्ड डाइट लेना स्टार्ट करो. बैलेंस्ड डाइट में क्या होगा कि आप जो फूड खाते हो उसमें सैलेड्स इंक्लूड करो, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करो, और आप स्प्राउटेड जो चीजें होती हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हो. लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स खाओ, सिट्रस फ्रूट्स खाओ, और वाटर के इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी मत भूलो. वाटर पियो, 7 से 8 ग्लास ऑफ वाटर तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. पानी तो पीना बिल्कुल मस्ट है. ओके, देन इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग या फिर वर्कआउट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन. ये भी सारी चीजें आप घर में कर सकते हो. मेडिटेशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मैंने अपनी लाइफस्टाइल में नोटिस किया है. नाउ गाइज, अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी नेचुरल ड्रिंक्स भी आती हैं मार्केट में जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू दिस ड्रिंक. ये है नाम्या स्किन साइंस की तरफ से उनका अनर्तवा फॉर डिलेड एंड इरेगुलर पीरियड्स. आप देख सकते हो ये इस तरीके की बॉटल में आता है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो. इसमें ये ऊपर मेजरिंग कप भी दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लेके इसमें ड्रिंक अपनी और फिर वो कंज्यूम कर सकते हो. तो देखना आपके जो इरेगुलर और डिलेड पीरियड्स हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए मिलेगा. तो गाइज, लेट मी टेल यू कि ये जो है 100% नेचुरल ड्रिंक है. इसमें सो मेनी हर्ब्स का फॉर्मुलेशन है, मतलब बहुत सारे हर्ब्स को मिला के इसको बनाया गया है. सो दिस इज 100% नेचुरल. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा इफ यू विल कंज्यूम दिस. तो आपको इसको कंज्यूम कैसे करना है, आपको 2x a day लेना है इसको. आप मॉर्निंग और इवनिंग में ले सकते हो फॉर रेगुलर 90 days. 90 days तक आप कंटिन्यूअसली इसको लोगे तो देखना आपको बहुत अच्छे से फर्क नजर आएगा. गाइस, नाउ लेट मी टेल यू नाम्या लाइफ साइंस अनर्तवा फॉर डिलेड एंड इरेगुलर पीरियड्स बेनिफिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ट्रीट द रूट कॉज ऑफ योर इरेगुलर पीरियड्स. इट विल ऑल्सो रेगुलराइज योर पीरियड्स फ्लो एंड साइकिल ऑन अ मंथली बेसिस. और गाइस, सबसे अच्छी बात है कि जो है आपका ओवुलेशन जो है वो भी एवरी मंथ टाइम पे आएगा. इससे इट विल रीस्टोर हार्मोनल बैलेंसेस. सो इट विल हेल्प यू टू डील विद योर मूड स्विंग्स, पीरियड क्रैम्स. अगर आप पीरियड के टाइम में भी आपको बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहता है तो भी उससे आप बिल्कुल निजात पा सकते हो, बहुत ही कम हो जाएंगे. आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल सकती है.
सो योर बॉडी इज गोना हील आफ्टर यूजिंग दिस वन, बिकॉज इसमें है बहुत सारे नेचुरल हर्ब्स जो कि डायरेक्टली हिट करते हैं उन सारी प्रॉब्लम्स में जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं। सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लीप भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 to 8 hours की स्लीप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी एंग्जाइटी के अंदर चल रहे हो तो उसको यू नो साइड में रख के आप जस्ट सो, 7 to 8 hours की नींद तो जरूर लो, जैसे कि आपकी बॉडी जो है काम आउट हो सके, रिलैक्स हो सके। तो यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, बी काम, बी रिलैक्स, लेट गो ऑल द थिंग्स, एवरी थिंग विल बी सॉर्ट आउट इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सारी चीजें एक दिन सही हो जानी है, तो यू नो स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। सो वी वुमेन आर द पावरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, तो इसको वेस्ट मत जाने दो। तो चलिए, यही था मेरा आज का वीडियो। होपफुली मैंने आपको इंस्पायर करा हो, मोटिवेट करा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक जरूर करना। और गाइज, इससे रिलेटेड सारे लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, डू चेक इट आउट। तो यस, यही था मेरा आज का वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में, प्यारा सा एक और वीडियो लेकर आऊंगी। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश। बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय।